हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेंथ और ट्वेल्थ क्लास के ऑलमोस्ट सभी रिजल्ट आउट हो चुके हैं या कुछ दिन में होने वाले हैं। ज्यादातर लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि ट्वेल्थ क्लास के बाद में क्या करें, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास के बाद में करियर के बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने रहते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों का ड्रीम होता है मेडिकल और इंजीनियरिंग में अपना आगे करियर बनाना। इंजीनियरिंग और मेडिकल में अपना करियर बनाने के लिए नीट और जेई जैसे एग्जाम में आपको बैठना होता है और इसके बेसिस पर ही आपको आगे इसमें कॉलेज मिलते हैं। नीट और जेई जैसे एग्जाम में अच्छी रैंक लेना काफी मुश्किल होता है। इसके लिए चाहिए आपको प्रॉपर गाइडेंस और हार्डवर्क, जिसके लिए आपको आकाश एक जबरदस्त यहाँ पर मौका देने जा रहा है, जिसमें आप पा सकते हैं 90% तक स्कॉलरशिप। अगर आप 8 से 12 तक के किसी भी स्टैंडर्ड में है तो आप इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं और 90% तक स्कॉलरशिप आप पा सकते हैं। टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है और इस टेस्ट में आपको भाग लेना है। प्रेजेंट में आप चाहे किसी भी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको इस टेस्ट में भाग जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आपकी रैंकिंग का पता चलेगा। यदि आपकी अच्छी रैंकिंग आती है तो आपको इसमें 90% तक आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये टेस्ट सभी के लिए फ्री रहेगा और केवल 60 मिनट तक रहेगा। वीडियो को अन्य अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले साथियों, हम चर्चा करते हैं कि हमें बोर्ड क्लास का अपना रिजल्ट है वो देखना कैसे है। तो सबसे पहले हमें आरबीएससी की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक करना है। यहाँ आरबीएससी राजस्थान बोर्ड क्लास ट्वेल्थ का और टेंथ क्लास जो भी है उस रिजल्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ में ही यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है और अपना आप रिजल्ट अपना चेक है वो कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन से भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले कि अपना रिजल्ट जारी कब होगा, 8वीं बोर्ड परीक्षा की बात करें तो मई के पहले हफ्ता में आपका रिजल्ट है वो एक संभावित डेट आ चुकी है कि मई के पहले हफ्ता में आपका 8 क्लास का वो रिजल्ट है, 8वीं क्लास का वो जारी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज पेपर की यहाँ पर न्यूज निकल कर आई है। बीकानेर शिक्षा निदेशालय की कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जांचने का कार्य अभी आपका चल रहा है। आपकी जो कॉपियां हैं उनकी जांच अभी हो रही है। जिले में करीब 80% से अधिक कार्य इसका पूरा हो चुका है। डाइट के प्रिंसिपल जो भवानी शंकर है चौबार, इन्होंने बताया कि मई के पहले हफ्ता में रिजल्ट जारी होने की पूरी आपकी संभावना रहेगी। आपकी टेंथ और ट्वेल्थ क्लास की थोड़ी बात कर लेते हैं, भाई अपना रिजल्ट है वो कब तक आएगा। बहुत सारे युवा साथी मेरे जो स्टूडेंट है वो इंतजार कर रहे हैं। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी की हाई स्कूल और इंटर यानी टेंथ और ट्वेल्थ क्लास रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल राजस्थान बोर्ड की टेंथ की परीक्षाएं 30 मार्च को और ट्वेल्थ की जो परीक्षा है वो 4 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। ऐसे में अप्रैल में रिजल्ट जारी होना थोड़ा मुश्किल है। अब मुश्किल क्यों हो रहा है, देखो रिजल्ट, क्योंकि आप सभी पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आ रहा है, कब तक आ रहा है। मुश्किल होने का सबसे बड़ा रीजन है अभी जो चुनाव चल रहे हैं, उस लोकसभा के चुनाव के कारण इसमें देरी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टीचर वगैरह जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो यहाँ पर चुनाव में व्यस्त है, इन चुनावी कार्यक्रम में लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा आपका टाइम लग सकता है। नतीजे मई में ही जारी किए जाएंगे, तो मई में अगले महीने में आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। मई के पहले हफ्ता या दूसरे हफ्ता में नतीजे जारी होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी कॉपियों की चेकिंग है वो काम चल रहा है, कॉपियां आपकी जांच हो रही है अभी भी। ऐसे में रिजल्ट इतना जल्दी जारी होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो भी साथी इसका इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा आपको और इंतजार इसका करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।